आज है 31 दिसंबर और न्यू ईयर पार्टी शुरू हो चुकी है। मेरी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ की गई है नीचे, तो हम लोगों को भी इनविटेशन आया था, हम लोग भी जा रहे हैं उस पार्टी में। मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मेरा लुक कुछ इस तरह से है, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह से, और आज मैंने ना थोड़ा सा मेकअप भी किया। जनरली मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, बट मैंने आज थोड़ा सा मेकअप किया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपने हेयर्स वगैरह भी थोड़े से कर्ल किए हैं, तो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं वेट कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स का कि वो भी तैयार हो जाए और मुझे कॉल करें, तो हम दोनों साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। एक्चुअली इस विंग में मेरी एक फ्रेंड रहती है और बाकी दूसरे विंग में रहते हैं, तो हम सब साथ में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और एज यूजुअल हस्बैंड जो है मेरे ऑफिस में है, वो आएंगे बाद में, ज्वाइन कर लेंगे वो हमें, और पार्टी चलेगी पूरे 12-12:30 बजे तक। तो आराम से लेट नाइट पार्टी है, इन्जॉय करेंगे हम। और अर्शी को मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखो, ये अर्शी का लुक है, कुछ इस तरह से ये तैयार हो गई हैं और बैठ के आराम से अपने मोबाइल चालू है इनका, कुछ ना कुछ इनका लगा रहता है, हंसी आ रही है इनको। तो बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। अर्शी को देखा आपने कि किस तरह से बदमाशी चालू है उनकी। अच्छी लग रही हूँ ना मैं आज, बहुत 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 दिनों बाद जाके इस तरह से तैयार हुई हूँ, या फिर अपनी शूटिंग के लिए तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे कोई रिलेटिव्स या कोई इतना अच्छा वो है नहीं सर्कल, तो ठीक ठाक से तैयारी होती हूँ मैं। मुझे लगता है कि ओवर लुक ना दिखने लगे। और अभी फ्रेंड की कॉल आई थी, वो बोल रही है कि 9-9:30 तक आओ आराम से, क्योंकि लेट नाइट पार्टी है और एक बार नीचे गए तो बार बार ऊपर आना तो होगा नहीं, तो बस थोड़ा आराम से ही जाएंगे। तो चलो बस कॉल आ गई है और अब मैं नीचे जा रही हूँ, अर्शी को बुला रही हूँ बेबो, और नीचे जाऊँगी फटाफट से, इन्जॉय करूँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी से जल्दी, ताकि आप मेरा ये वाला व्लॉग देख पाएँ और आप भी इन्जॉय कर पाएँ। ये देखिए, चलिए निकलते हैं। देखो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आने वाली है और नीचे जाएंगे। ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी थोड़ी देर में मेरे डैडा आएंगे, डैडा आएंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगे, निकल चुके हैं ऑफिस से। चलिए लिफ्ट के अंदर चलते हैं। सो अब हम आ चुके हैं, ये लिफ्ट है, अंधेरे अंधेरे लिफ्ट, अंधेरे में जा रहे हैं हम लोग। लाइट नहीं है, बैकअप है, सो दैट छोटी लाइट में ही मैनेज करना पड़ रहा है। मुझे कुछ काम था तो मैं ऊपर आ गई थी, और अर्शी अभी नीचे है, उसके पापा आ चुके हैं। असल में उनके लिए थोड़ी ड्रेस वगैरह निकालनी थी मुझे, तो हालांकि मैं निकाल के गई थी पर वो उनको पसंद नहीं आई, तो दूसरी निकालनी पड़ी मुझे। तो मैं अभी वापस से नीचे जा रही हूँ क्योंकि वो अकेले है।
साल के पहले दिन ही शुरुआत हो गई है साइकिल सीखने की। असल में अर्शी की साइकिल में लगा था बैलेंसर और अभी वो बैलेंसर निकाल दिया गया है और उसको प्रैक्टिस कराई जा रही है खुद से बैलेंस बना करके साइकिल चलाने की। तो यहाँ सुबह सुबह का ये टाइम है और छुट्टी है तो उसके डैडा उसके साथ जो है मस्ती कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सीख रही है, बहुत जल्दी उसने चलाना पिक कर लिया, बैलेंस बनाने लग गई है। यहाँ पे बैठ गई हैं मैडम जी अपने टॉयज़ को लेकर के ये बोलते हुए कि मम्मा कोविड में कोई आएगा तो है नहीं पर मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो आप इनका ही वेलकम करिए। तो यहाँ पे देखिए इस सोफ़े पे सारे ढेर सारे फ्रेंड्स इनके बैठे हुए हैं न्यू ईयर में, और न्यू ईयर पार्टी है जो अर्शी ने इन लोगों को दे रखी है। यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे खेल ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अर्शी के टीथ में पेन हो रहा है तो फाइनली उसका टीथ जो है निकल गया है और अभी उसका फेस कुछ ऐसा दिख रहा है। रात में हम लोगों ने कुछ ऑर्डर कर दिया था और बस ये नूडल्स वगैरह आ गए थे। इसी तरह से हम लोगों ने साल का पहला दिन बिताया और यहाँ पे कुछ पिक्स हैं जिन्हें आप इंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।